चली गई है तुम्हारी भांजी इस घर से, लेकिन खाली हाथ नहीं गई, अपनी औकात से बहुत ज्यादा लेकर गई है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से नहीं हुआ। अच्छा, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। अरसम ने नूर को देखा तुम्हारी वजह से, उन दोनों की आपस में शादी हुई, वजह तुम बनी। कसूर नहीं, सही है। आप माने या ना माने, आपने अच्छा नहीं किया। 3 महीने से ज्यादा होने वाले हैं, माँ बाप हमारे घर में ही बैठी हुई। अगर जुनेद को ख्याल नहीं आया तो आप ही सफिया बहन का लिहाज कर लेते। बेटी वाले बेचारे तो बेटी का घर आबाद करने के लिए कई बहाने तलाश करते। अरे नूर बेटा, बैठो बेटा बैठो, कैसी हो? क्या हुआ है? वही जिस काम सबको इंतजार था। क्या उन लोगों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है? अब जाहिर सी बात है, आपकी भांजे ने जो किया उसके बाद वो मुझे उस घर में रहने तो नहीं देते। रातिया, उसकी फिक्र मत करें आप, वो मजे में है और मेरे वहां से निकल जाने का जश्न मना रही है। अपनी गलतियों का बोझ उस पर नहीं डालूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की और आप लोग फिक्र मत करें, मैं आप पे बोझ नहीं बनूंगी।